सीएसआर नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआर नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए। तो सिंगल लेटर कोड ये आपको बता चुका हूं ऑलरेडी मैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करता हूं मैं। यहां पे अगर मैं क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। अकरेंस के बेसिस पे हो सकता है, वो स्टैंडर्ड हो या नॉन स्टैंडर्ड हो। कैसा हो? स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड हो सकता है। वो ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप पे भी हम उसको कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप कैसे करना है आर ग्रुप पे, कि एलिफैटिक, एलिफैटिक मतलब जो कि नॉर्मल ग्रुप, जैसे वैलिन, जैसे क्या बोला जाता है, जी ए वी एल आई, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, एलिफैटिक ग्रुप्स है। एरोमेटिक ग्रुप्स, एरोमेटिक ग्रुप्स का मतलब जैसे कि डब्ल्यू वाई एफ, दैट इज ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन, हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग जैसे सेरीन एंड थ्रियोनिन। इसके बाद अलग से आते हैं जैसे सल्फर कंटेनिंग, जैसे सिस्टीन एंड मेथियोनिन। दिस इज व्हाट, इस तरीके से कई सारे जो होते हैं क्लासिफिकेशंस होते हैं। उसके बाद जो मेजर क्लासिफिकेशंस पूछा जाता है, ये भी गेट में कई बार कॉमन पूछा जाता है, एसेंशियल, सेमी एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। कोड के फॉर्म में यहाँ पे याद कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट एलटीएलटी, टी इज नॉट टायरोसिन एंड पी इज नॉट प्रोलीन। ये कोड यहाँ पे यूज कर सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एलटीएलटी, टी इज नॉट टायरोसिन, पी इज नॉट प्रोलीन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन एंड प्रोलीन यहाँ पे नहीं होगा, फिनाइलएलेनिन होगा, ठीक है। इट्स नॉट अ सिंगल लेटर कोड, सिंगल लेटर कोड नहीं है, ये नाम का पहला वो यूज करने की कोशिश की गई है। एंड सेमी एसेंशियल इज आर्जिनिन, हिस्टिडीन यहाँ पे है। और नॉन एसेंशियल की बात करूंगा, दैट इज व्हाट, ए थ्री जी थ्री पी सी एस टेस्ट। पी का मतलब यहाँ पे प्रोलीन होगा और टी का मतलब है टायरोसिन। ए थ्री में क्या हो जाएगा, एलेनिन, एस्पैरेजिन, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, ये तीनों ए ए से ये हट जाएंगे, जी जी से ये हो जाएगा, पी का मतलब प्रोलीन है, सी का मतलब सिस्टीन, एस का मतलब सेरीन, टी का मतलब टायरोसिन। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। नॉन पोलर में बहुत सारे अमीनो एसिड्स आते हैं, नॉन पोलर जैसे यही अभी मैंने आपको बताया, जी ए वी एल आई, ठीक है, ये आ जाते हैं सारे नॉन पोलर। पोलर आपके चार्ज भी हो सकते हैं, अनचार्ज भी हो सकते हैं। चार्ज जो होता है पोलर, पोलर चार्ज पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव है। पॉजिटिव जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके बेसिक होते हैं, बेसिक होते हैं अमीनो एसिड, जैसे आर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन। और जो निगेटिव होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि एसिडिक के पास COO माइनस चार्ज होता है और बेसिक के पास NH3 प्लस होता है। यही रीजन है कि इसके पास पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं। अनचार्ज जो होते हैं जैसे सेरीन, सिस्टीन, सेरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, ये सारे कैसे हैं, या तो सल्फर कंटेनिंग या तो हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ प्रिकर्सर इफ यू वॉन्ट टू क्लासिफाई इट इज, इट कैन बी कीटोजेनिक, ग्लूकोजेनिक, ग्लूकोकीटोजेनिक। कीटोजेनिक होगा तो L2 होता है, कीटोजेनिक का मतलब L2, दैट इज ल्यूसीन एंड लाइसीन। ग्लूकोजेनिक से जाने से पहले हम ग्लूको कीटोजेनिक पढ़ेंगे, जो कि दोनों होते हैं। उसमें क्या होता है, इसका कोड है IP3T। IP का मतलब आइसोल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन, दैट पी का फिनाइलएलेनिन, टी से टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड थ्रियोनिन, और बाकी जो होंगे रेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, जो रेस्ट ऑफ ऑल है वो क्या हो जाएंगे, वो आपके ग्लूकोजेनिक हो जाएंगे। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में। कई बार अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है क्या नहीं होता, वो स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सो ग्लाइसिन की बात करता हूं यहां पे। सी ग्लाइसिन में जो होता है, यहां पे देखिएगा, ग्लाइसिन में सिर्फ बैकबोन पूरा सेम होता है। ये बैकबोन जो होता है ना,
बैकबोन का मतलब सी सी ओ माइनस एच और एन एच थ्री प्लस, ये पूरा सेम होता है, ये पूरा का पूरा आपका सेम होता है, लेकिन जो आपका साइड ग्रुप होता है आर ग्रुप वेरी करता है। अगर वो ग्लाइसिन में है ये एच आ गया, ठीक है, ग्लाइसिन में अगर वो साइड ग्रुप एच है तो इसको क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ग्लाइसिन। आप देख के एक छोटी सी चीज आपको यहाँ पे पता चल जा रही होगी, वो क्या है इंपॉर्टेंट चीज कि ग्लाइसिन इज ए काइरल बिकॉज इसके साथ चार डिफरेंट ग्रुप नहीं जुड़े हुए हैं। किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए जो काइरलिटी के लिए कार्बन चार डिफरेंट सिंगल बॉन्ड से, वो भी सब अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, ठीक है, अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, तब जाके ये जो होता है वो कायरलिटी शो करता है, जिसको कि स्टार मार्क किया जाता है इस तरीके से कायरलिटी शो करने के लिए। दैट इज ग्लाइसिन जो है वो एक कायरल अमीनो एसिड है। एलेनिन में ये एच की जगह सी एस थ्री हो गया, इस सी एस थ्री से दो सी एस थ्री और जोड़ दिया तो वैलिन हो गया, इस दो सी एस थ्री में एक ऊपर और सी एस थ्री जोड़ दिया तो ल्यूसीन हो गया, इसके साथ ये ल्यूसीन को आइसो पोजीशन पे यहां से यहां भेज दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आइसोल्यूसिन हो जाएगा। देखिए ये मेथाइल ग्रुप यहां से यहां पहुंच गया, आइसोल्यूसिन हो गया, तो ये आपके पार्ट क्या है, नॉन पोलर है, इनमें से एक आता है मेथियोनिन भी जो कि CH2 और CH3 है, ये आपके नॉन पोलर एलिफेटिक्स है। पोलर चार्ज में सेरीन जो होता है वो CH2OH होता है। थ्रियोनिन में एक मिथाइल ग्रुप और ऐड कर दीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप ऐड करेंगे ये आ जाएगा थ्रियोनिन। सिस्टीन जो होता है एग्जैक्टली सेरीन की तरह जुड़ा होता है, CH2OH की जगह यहाँ पे CH2SH होता है। मेथियोनिन का स्ट्रक्चर आपने देखा था CH2SH3 था, ये मेथियोनिन का स्ट्रक्चर है। एंड नाउ प्रोलीन जो होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है C2C2NC, ये प्रोलीन का स्ट्रक्चर होता है, इसको एक और नाम बोला जाता है, इसको बोलते हैं इमिनो एसिड। क्या बोला जाता है, इमिनो एसिड बोला जाता है प्रोलीन को। एस्पेरजीन जो होता है, एस्पेरजीन आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर शो करता है CONH2, यहाँ पे CH2CONH2, यहाँ पे CH2CH2CONH2 शो करता है पर्टिकुलर किसमें, ग्लूटामिन में। नाउ उसके बाद पॉजिटिवली चार्ज, इसको बेसिक अमीनो एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेसिक अमीनो एसिड। इसमें क्या होगा, ये लाइसिन है, ठीक है, ये आर्जिनिन है और ये रहा हिस्टिडीन है। तो ये ग्रुप्स जो पाए जाते हैं, आर्जिनिन में चार बार मिथाइल ग्रुप लिखिए, उसके बाद अमीनो ग्रुप लाइसिन लिख दिया आपने, आर्जिनिन में तीन बार मिथाइल ग्रुप लिखिए NH CNH2 CNH2, आर्जिनिन हो गया। हिस्टिडीन में ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है और हिस्टिडीन में इसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है इमेडाजोल ग्रुप। क्या बोला जाता है, इमेडाजोल ग्रुप, यही बोला जाता है या नहीं? हाँ जी जी बिल्कुल, इमेडाजोल ग्रुप बोला जाता है। सो ये आपके हिस्टिडीन में इसको पूछा जाता है कि इसको इमेडाजोल ग्रुप बोलते हैं। आर्जिनिन में जो ग्रुप पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं, आर्जिनिन में जो ग्रुप पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं, एनीबॉडी, किसी को पता है? हाँ जी, चलिए कुसी को तो याद है जी, ग्वानिडाइनो ग्रुप बोला जाता है, ग्वानिडियम या ग्वानिडाइनो ग्रुप बोला जाता है, ठीक है, दिस इज ग्वानिडिनो ग्रुप होता है, ओके, ग्वानिडिनो ग्रुप। नाउ ग्रेट, एस्पार्टेट में CH2COO- होता है, इससे बस NH2 जोड़ देंगे तो स्पैराजीन हो जाएगा। यहाँ पे CO- ग्लूटामेट में CH2CH2CO- होता है, अगर इसमें NH2 जोड़ देंगे CONH2 तो वो आ जाएगा आपका क्या, ग्लूटामीन। और यहाँ पे नॉर्मल मेथाइल बेंजीन है, नॉर्मल मेथाइल बेंजीन होता है किसमें, ट्रिप्टो फिनाइल एलेनिन में। टायरोसिन में फिनॉल ग्रुप होता है, ये देखिए मेथाइल फिनॉल ग्रुप होता है। और ट्रिप्टोफैन की बात करते हैं तो ट्रिप्टोफैन में जो ग्रुप पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं, दैट इज द इंडोल ग्रुप, एग्जैक्टली इंडोल ग्रुप पाया जाता है, इंडोल ग्रुप पाया जाता है। इसी वजह से जरा सा याद करिए, ये किसकी सिंथेसिस कर रहा होगा, किस प्लांट हार्मोन की सिंथेसिस कर रहा होगा, ये जो सिंथेसिस करता है एक पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन के इन्वॉल्व होता है ट्रिप्टोफैन, वो होता है IAA या जिसको बोला जाता है ऑक्सिन, क्योंकि उसका नाम होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है। सो ये सारे पार्ट्स आपने डिस्कस कर लिए हैं, इसके बाद कुछ आपके नॉर्मली अनवांटेड से अमीनो एसिड्स होते हैं, अनकॉमन अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे कि 4-hydroxyproline या 5-hydroxyproline। इसमें क्या होता है, प्रोलीन के 4 पार्ट पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाता है, दैट इज द 4-hydroxyproline। अगर आपके 5 पार्ट पे लाइसिन की यहाँ पे OH है, 5-hydroxylysine हो जाता है। अब मेथाइल लाइसिन की बात करते हैं, 6N
जो छठवां होता है कार्बन, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, इसके जो अमीनो ग्रुप होता है सिक्स नाइट्रोजन के, ये मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, सिक्स एन मिथाइल, तो ये मॉडिफाइड या अनकॉमन अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि जनरली यूज किए जाते हैं, ठीक है। सो ये सारे पार्ट यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, तो ये अमीनो एसिड इस तरीके से इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अनकॉमन अमीनो एसिड्स में सेलेनोसिस्टीन आता है, जो कि सिस्टीन से मॉडिफाई होकर यहाँ पे क्या जाता है, सेलेनियम होता है, वहां पे क्या यूज हो रहा था, एसएच ग्रुप हो रहा था, तो यहाँ पे सेलेनियम यूज होता है, सिस्टीन में एसएच ग्रुप होता है, सिस्टीन में अगर बात करेंगे तो एसएच ग्रुप होता है, यहाँ पे सेलेनियम जुड़ता है, ऑर्निथिन, सेट्रुलिन, ये भी कुछ एग्जांपल्स के पार्ट होते हैं। और कुछ रेंज जो यहाँ पे दिया रहता है आयनाइजेबल ग्रुप्स के, जैसे मैंने आपसे बात किए थे कि कैसे कैलकुलेट करना है, अल्फा कार्बोक्सिल का रेंज ये होता है नियर अबाउट, उसके बाद नॉन अल्फा कार्बोक्सिल एस्पार्टेट और ग्लूटामेट का जो रेंज होता है 4 से 4.8 के बीच में होता है। इमेडाजोल ऑफ हिस्टिडीन जो कि नियर अबाउट 6.8 होता है, इसका पीआईक्यू, इसी वजह से ये क्या करता है, बफर का काम करता है, अमीनो एसिड दैट एक्ट एज अ बफर इज नोन एज हिस्टिडीन, जो अमीनो एसिड बफर की तरह एक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हिस्टिडीन बोला जाता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको हिस्टिडीन बोला जाता है। नाउ इसके बाद मैं बात करता हूं, दैट इज व्हाट ये सिस्टीन जो होता है वो 8.529, फिर टायरोसिन आता है, फिर सबसे ज्यादा जो आता है वो आर्जिनिन का ग्वानिडाइनो ग्रुप जो नियर अबाउट 12 होता है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीआई कैलकुलेट करने में, ठीक है। सो पीआई कैलकुलेट करने में करता है। नाउ इफ इज अनकॉमन एसिड इज सेम एज द नॉन स्टैंडर्ड अमीनो, यू कैन से दैट इट इज अ नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, ठीक है। सो आयनाइजेबल फंक्शन स्टेट की बात करते हैं, आयनाइजेबल फंक्शन स्टेट की बात करेंगे, देखिएगा कि ये जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्या, कि जब लो पीएच होगा, आपने पीएच का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे पीएच कॉन्सेप्ट की बात करूं तो पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एच प्लस आयन, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी होती है। अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें कि पीएच बढ़ेगा तो एच प्लस घटेगा, पीएच घटेगा तो एच प्लस बढ़ेगा, ये होता है कॉन्सेप्ट। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कि लो पीएच है, इफ इट इज लो पीएच, इफ इट इज लो पीएच, सो पीएच लो है तो यानी एच प्लस क्या होगा, H+ जो होगा वो ज्यादा होगा। जब H+ ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे हो रहा होगा प्रोटोनेशन, क्या हो रहा होगा यहाँ पे प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन का मतलब प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटोनेशन होता है तो दो फॉर्म होते हैं, COO- किस में कन्वर्ट होगा, COH में, और NH2 किस में कन्वर्ट हो रहा होगा यहाँ पे, NH3+ में। सी हियर, ये COOH है और NH3+ है, तो यहाँ पे जो नेट चार्ज आएगा वो आएगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ पे H+ ज्यादा है जनाब, ठीक है, तो H+ ज्यादा है तो ये फॉर्म आएगा। नाउ अब थोड़ा सा मिड रेंज में जाएंगे, जब मिड रेंज में जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा पीएच जो होगा दैट इज नियर अबाउट 7, अगर इसके आसपास जा रहे हैं तो यहाँ पे प्रोटोनेशन जो होगा डी प्रोटोनेशन होगा, किसका, यहाँ पे डी प्रोटोनेशन होगा, डी प्रोटोनेशन ऑफ COOH का, जब इसका होगा तो ऑब्वियस ही बात है COOH किस में कन्वर्ट होगा, COO- में, और NH3+ एज इट इज रहेगा, इसी वजह से नियर अबाउट 7 या PI जिसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, चार्ज जो होता है वो जीरो होता है, ये पीएच जो होगा या एच प्लस न्यूट्रल के आसपास होगा, जनरली अमीनो एसिड्स के लिए, कुछ अमीनो एसिड एसिडिक और बेसिक को छोड़ दिया जाए तो। उसके बाद और पीएच बढ़ाया आपने, पीएच 11 तक ले गए, तब अगर पीएच 11 तक लेके गए और बढ़ाएंगे यहाँ पे, सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी डी प्रोटोनेशन होगा, क्या होगा, डी प्रोटोनेशन, ये डी प्रोटोनेशन किसका होगा, अब एनएच थ्री प्लस का होगा, यानी कि एनएच थ्री प्लस जो कन्वर्ट होगा वो NH2 में कन्वर्ट होगा। सी हियर, ये चार्ज कन्वर्ट, COO ऑलरेडी इस माइनस में था ही था, ठीक है, COH जो था वो आपके COO- माइनस में था, तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे H+ जो है वो कम है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज व्हाट द टाइट्रेशन PK1 PK2 PK, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इज इट क्लियर गाइस। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया PKR PK1 PK2 इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो चीजों को। नाउ लर्न करने के बाद अगर यहां पे मैं बात करता हूं, सो आप
जंप 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 जंप